अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक गड्डी पालक। इसे मैंने अच्छे से धोकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तकरीबन 120 ग्राम बेसन, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई टीस्पून ज़ीरा, एक चौथाई टीस्पून हल्दी, दो हरी मिर्च मोटे टुकड़ों में कटी हुई और बेसन को घोलने के लिए पानी। अब सबसे पहले एक गहरे बर्तन में बेसन डालेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह का घोल तैयार करना है। अब इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। अब एक गहरे बर्तन में पालक डालेंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाएंगे। ये तैयार है। अब पकौड़ों को फ्राई करेंगे। पकौड़ों को डालते वक्त गैस हल्का रखेंगे। अब गैस तेज़ कर देंगे। इन्हें दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। आपके पालक के पकौड़े तैयार हैं। इसे गरम गरम मीठी और हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।